हेलो एवरीवन। सो जो आज का टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। हम यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं एंड जो मैक्सिम्स है टीचिंग के, क्या क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए और इनका क्या रोल होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वो पढ़ने वाले हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में का मेन एम क्या है, हम प्रिंसिपल्स क्यों रखते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर हम टीचिंग की बात करते हैं तो प्रिंसिपल्स हम इसलिए फ्रेम करते हैं ताकि हम जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम कर सकें, उसके अंदर क्या मेथड्स यूज़ होने वाले हैं वो पता कर सकें और हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे इफ़ेक्टिव बनाएँ, इसके अंदर प्रिंसिपल्स हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे जिनकी हेल्प से हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ एम है। तो यहाँ पे एम का क्या मतलब है कि क्लासरूम में जाने से पहले टीचर जो भी लेसन डिलीवर करने वाली है, जो भी वो पढ़ाने वाला है टीचर, उसका एक डेफिनेट एम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टीचर ने कोई लेसन प्लान किया है और वो ये चाहता है कि क्लासरूम में जाके अपना टीचिंग प्रोसेस फिनिश करने के बाद बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हो, मीन्स कि जो उसकी मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनके अंदर डेवलपमेंट हो, तो इस चीज़ को डिसाइड करने से पहले, ये आउटकम आने से पहले, उसको उससे रिलेटेड कुछ एम्स बनाने पड़ेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करने पड़ेंगे। उन ऑब्जेक्टिव्स की फुलफिलमेंट कैसे करनी है, किस मेथड, किस स्ट्रेटजी, किस टेक्निक का उसे इस्तेमाल करना है, ये सब उसको पहले से प्री डिसाइडेड होना करना पड़ेगा। सेकेंड इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और लर्निंग बाय डूइंग। जो क्लासरूम है उसमें जो बच्चा है वो सेंटर होना चाहिए, मींस कि जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो उसको ध्यान में रख के प्रिपेयर किया होना चाहिए और वो एक एक्टिव लर्नर होना चाहिए, उसका फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए क्लास के अंदर। अगर टीचर कोई एक्टिविटी करा रही है तो उसके अंदर वो जो एक्टिविटी करने का मौका है वो बच्चे को दिया जाए, बच्चा उसको खुद करे और खुद करके सीखे, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। देन थर्ड इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ एंड अदर सब्जेक्ट्स, मीन्स कि यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट, जो भी करिकुलम डिसाइडेड हुआ है, जो भी करिकुलम प्लान हुआ है, जो भी सब्जेक्ट्स प्लान हुए हैं, वो उनकी रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्टेड होने चाहिए। अगर हम बच्चे को सब्ट्रैक्शन एडिशन सिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने उसको सिखा दिया तो जब अपनी वो रियल लाइफ सिचुएशन में जाए तो वहाँ पे उसको वो अप्लाई कर पाए। नेक्स्ट कम द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। ऑब्वियस है, गुड टीचिंग हम किसे बोलते हैं, हम गुड टीचिंग उसे बोलते हैं जब हम सब कुछ प्री प्लान करके जाते हैं क्लासरूम में। अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो जो हमारा क्लासरूम है, अगर उसमें हम जो भी पढ़ा रहे हैं अगर वो प्लान नहीं है तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफ़ेक्टिव हो नहीं सकता। टीचर को पता ही नहीं चलेगा कब क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, कैसे लेसन की स्टार्टिंग करनी है, कैसे बीच में एक्टिविटीज़ करानी है, क्या कराना है, एंड कैसे करना है, तो वो सब प्रॉपर नहीं हो पाएगा और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है बहुत पुअर होगा, इफ़ेक्टिव नहीं होगा, बच्चों को कुछ समझ नहीं आएगा, एक्टिव नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा क्लासरूम में। देन नेक्स्ट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट और मोटिवेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है, बिकॉज अगर क्लासरूम में हम जा रहे हैं और बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है उस चैप्टर को लेके, उस लेसन को लेके जिसे हम पढ़ा रहे हैं, तो जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा, जो हमारे आउटकम्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। तो जो भी टीचर पढ़ाने वाले हैं क्लासरूम में, उससे पहले ये पता करना बहुत ज़रूरी है बच्चे का इंटरेस्ट कितना है उस लेसन को लेकर, उस टॉपिक को लेकर। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो इंटरेस्ट डेवलप कैसे करना है टीचर को, बच्चे को मोटिवेट कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें टीचर को पता होनी चाहिए। द नेक्स्ट कम द प्रिंसिपल ऑफ सिंपथी एंड काइंडली एटमोसफेयर। ऑब्वियस है, हम सिंपथी की बात करते हैं कि क्लासरूम में टीचर को एक
डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए, एक काइंड एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए, उस बच्चों के प्रति उसकी एक सिंपथी होनी चाहिए, बच्चों को जाने टीचर उनकी बारे में कि उनको प्रॉब्लम क्या है, क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर, अगर उनकी रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उनके प्रति सिंपथेटिक हो कई, मतलब तो ये चीज़ें हैं। एटमॉस्फेयर डेमोक्रेटिक होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चों को फ्रीडम होनी चाहिए क्लासरूम में, जो भी बच्चा बोलना चाहे टीचर से विदाउट फियर बोल पाए, उसे टीचर को बच्चे को डरा कर नहीं रखना है टीचर को, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाए। द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, तो बच्चे जो होते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं, बट जब वो एक एजुकेशन सिस्टम में आते हैं उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म कर दी जाती है क्योंकि उसको इन्हेंस नहीं किया जाता है क्लासरूम के अंदर। तो एक जो टीचर है, एक अच्छा टीचर वो है जो बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ कराए जो उसकी जो क्रिएटिविटी है वो बाहर निकल कर आए, बच्चा बहुत और क्रिएटिव बने। तो एक टीचर को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्या क्या चीज़ों के द्वारा, किन मेथड्स की हेल्प से, किस आइडियाज़ की हेल्प से एक बच्चे को क्रिएटिव लर्नर बना सकती है। द नेक्स्ट कम द प्रिंसिपल ऑफ फ्लैक्सीबिलिटी एंड कॉपरेशन। फ्लैक्सीबिलिटी होनी चाहिए कि ये नहीं है कि टीचर ने एक बार डिसाइड कर लिया कि दिस इज़ अ मैथड एंड आई एम गोइंग टू टीच थ्रू दिस मैथड। नो, इफ टीचर इज़ एंटरिंग अ क्लास रूम एंड शी फेल्ड टू इम्पार्ट नॉलेज विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर मैथड, देन देर शुड बी फ्लैक्सीबिलिटी, शी शुड हैव एन ऑप्शन सो शी कैन यूज़ एन अदर मैथड इन ऑर्डर टू इम्पार्ट द लर्निंग। रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी मेथड के अंदर। क्लासरूम में टीचर जा रही है, उसने एक मेथड ही डिसाइड करा है कि मैं इसी मेथड से पढ़ाऊंगी, लेकिन क्लासरूम में वो उसका जो भी सोचा हुआ मेथड है वो लर्निंग सिचुएशन के अंदर फिट नहीं हो रहा है, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, टीचर के पास एक दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए कि जब वो मेथड काम नहीं कर रहा है तो कोई और मेथड का इस्तेमाल करके वो लर्निंग को बच्चों तक इम्पार्ट करे और लर्निंग नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड करे। और इसके अंदर बच्चे और टीचर के बीच में कोऑपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बच्चों को भी टीचर के साथ कोऑपरेटिव होना चाहिए और टीचर को भी कोऑपरेटिव होना चाहिए। द नेक्स्ट कम द प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। जी, टीचर के अंदर ये एक हम बोल सकते हैं कि एक खासियत होनी चाहिए कि वो बच्चों की प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर पाए। अगर बच्चा क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, उसका ध्यान नहीं है, वो टीचर जब कुछ क्वेश्चन आंसरिंग कर रही है बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको फाइंड आउट करना, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार अगर टीचर ने उसे डायग्नोस कर लिया प्रॉब्लम के, उसके पीछे के कॉजेज और रीजंस फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद उसे रेमेडियल टीचिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस भी फील्ड में उसको प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, अगर LSRW है, उसको राइटिंग पार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसकी प्रॉब्लम्स टीचर ने डायग्नोस्ट कर ली, उससे रिलेटेड रेमेडियल टीचिंग उसको प्रोवाइड करे, मींस रेमेडियल टीचिंग मींस एक्स्ट्रा टाइम उस बच्चे को दो उस चीज़ को सिखाने के लिए। वो आप कैसे भी कर सकते हैं, आप उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लें, उसको क्लासरूम में एक्स्ट्रा टाइम दें, अलग से उसको काम दें, होमवर्क दें, या क्लासरूम में उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। द नेक्स्ट कम द प्रिंसिपल ऑफ लुकिंग अहेड, मीन्स कि यहाँ पे जो एक गुड टीचिंग क्या होती है, गुड टीचिंग लुक्स अहेड वाइल इट ऑल्सो मेक्स इनटू अकाउंट द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द चिल्ड्रन। एन ओपन माइंडेड टीचर इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, मीन्स कि एक टीचर को क्या करना है, हमेशा आगे की तरफ देखना है, पास्ट, लेकिन जो पास्ट में चीजें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा जो पास्ट में था उसका जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा नहीं है, लेकिन अब प्रेजेंट में उसका परफॉर्मेंस अच्छा है और फ्यूचर में भी टीचर को ये ध्यान रखना है उसका जो परफॉर्मेंस है जो अब है वो रहे, लेकिन पास्ट में जो उसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, पास्ट में जो उसका परफॉर्मेंस रहा है उसको भी ध्यान में रख के टीचर को चलना है, ताकि वो दोबारा से अपने उस पास्ट का जो परफॉर्मेंस था उसमें वापस ना आ जाए, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए उसकी। और टीचर को ओपन माइंडेड होना चाहिए, इसके लिए ओपन माइंडेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
नेक्स्ट कम्स द प्रिंसिपल ऑफ मॉडल प्रेजेंटेशन. मॉडल प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे कि जो भी प्रेजेंटेशन मतलब कि क्लासरूम में टीचर को एज अ मॉडल प्रेजेंट करना है अपने आप को, क्योंकि बच्चे जो हैं टीचर को एक बात सबसे ज़्यादा मानते हैं, टीचर उनके लिए रोल मॉडल होता है. तो क्लास में टीचर अपने आप को एज अ रोल मॉडल प्रेजेंट करे, एज अ गुड ह्यूमन बींग प्रेजेंट करे, और मीन्स कि कुछ ऐसी एक्टिविटी ना कर दे क्लासरूम में बच्चों के सामने कि जो बच्चे हैं उससे गलत चीज़ सीख जाए. अपनी जो भी एक्टिविटी टीचर करे उसका उसे ध्यान रखना है हमेशा. द नेक्स्ट कम द प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शन ऑफ मटेरियल. जी, सेलेक्शन ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेलेक्शन ऑफ राइट मटेरियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीचर के लिए कि वो अगर क्लासरूम में कुछ पढ़ाने वाले हैं तो किस मटेरियल से वो पढ़ाएंगे, किस रिसोर्सेज का वो इस्तेमाल करेंगे, वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. टीचर पढ़ा रही है रूरल एरियाज़ के अंदर, उनको बुक्स प्रोवाइड कर रही, उनको आती है अपनी मदर टंग, उनको कोई और लैंग्वेज नहीं आ रही है, लेकिन जो टेक्स्ट बुक है, जो वर्क है, जो उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो उसका चल रहा है किसी और लैंग्वेज में, तो बच्चों को तो कुछ समझ नहीं आएगा. बच्चों के लिए वो यूज़फुल नहीं है, यूज़लेस है बच्चों के लिए वो. तो एक प्रॉपर सेलेक्शन मटेरियल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो दोनों टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो. नेक्स्ट कम द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन और डिवीजन. मीन्स कि इजी और सिंपल थिंग्स होनी चाहिए. मीन्स कि ये नहीं है कि क्लासरूम में जा रहे हैं पहले डिफ़िकल्ट चीज़ आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसके बाद इजी पढ़ा रहे हैं, नहीं. अगर हम लैंग्वेज का एग्जांपल लें तो बच्चे को पहले आप अल्फ़ाबेट्स बताएंगे, उसके बाद देन आप उसको अल्फ़ाबेट्स के बाद उसको स्पेलिंग्स के बारे में बताएंगे कि हाउ डू वी फ्रेम स्पेलिंग्स, कैसे फ्रेम की जाती हैं, कैसे वर्ड को कैसे फ्रेम किया जाता है, वर्ड के फ्रेम के बाद सेंटेंस फॉर्म कैसे फ्रेम होते हैं, उसके रूल्स बताएंगे. इजी टू डिफ़िकल्ट जाना है, डिफ़िकल्ट टू इजी नहीं आना है. कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बाद में पढ़ानी है, इजी चीज़ें पहले पढ़ानी है. देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. यस, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है. टीचर को बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि क्लासरूम में जब हम जा रहे हैं बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, डिफरेंट उनके एबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट पोटेंशियल हैं, सेम नहीं हैं, तो उस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है टीचर को. क्लास में आपको इंटेलिजेंट बच्चे भी मिलेंगे, एवरेज भी मिलेंगे, एंड बिलो एवरेज भी मिलेंगे, अबव एवरेज भी मिलेंगे, तो उनकी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनकी जो इंडिविजुअल स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, वो टीचर को पता होना चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो फ्रेम करने चाहिए. देन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. जी, एक गुड टीचर वो होगा जो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड रखेगा और वही एटीट्यूड वो अपने बच्चों में डेवलप करेगा. स्ट्रिक्ट टीचर नहीं होना है, बच्चों को ऑर्डर नहीं देने हैं टीचर ने कि अगर टीचर ने एक बार वो चीज़ बोल दी तो वो बोल दी और वही होनी चाहिए, नहीं. बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू, बच्चों का जो भी व्यू है, बच्चों की जो भी बातें हों, उनको भी टीचर को सुनना है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना फिर देन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करना है. ये बोला जाता है कि क्लासरूम के अंदर एक गुड टीचर क्या है. एक एक्टिव प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर हम उसे एक्टिव प्रोसेस कब बोलेंगे, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंगेज करेंगे लर्निंग प्रोसेस के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग एक्टिविटीज़ का मौका उन्हें करने के लिए हम देंगे, तभी वो अच्छे से खुद करके लर्न कर पाएंगे. तो सम रिसर्च शोज कि जो 75% रिटेंशन रेट है लर्निंग बाय डूइंग से है 90% लर्निंग बाय टीचिंग अदर्स की. मीन्स 75 तो बच्चा खुद करके सीख रहा है, लेकिन जब वही चीज़ जो उसने सीखी है, जब वो किसी को सिखा रहा है, वो उसके फ्रेंड पीयर्स भी हो सकते हैं, उसके अपने फैमिली के कोई मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो 90% वो उससे सीखता है. तो क्लासरूम में एक ऐसी सिचुएशन भी टीचर क्रिएट कर सकती है और ऐसी एक्टिविटी भी क्लासरूम में टीचर करा सकती है. उसके बाद हम आते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या है. मैक्सिम्स जो हैं ये एक आर्ट हो मैक्सिम्स जो हैं वो डेवलप किए गए थे हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा.
इनका मेन एम था बेसिकली टू मेक टीचिंग इफेक्टिव। और इसका जैसे हम बोलते हैं टीचिंग एक आर्ट है, और इस आर्ट के अंदर मास्टरी लाने के लिए हम मैक्सिम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ मैक्सिम्स के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं कि जो हमारी टीचिंग प्रोसेस है वो जॉयफुल हो सकता है, जो इन्वायरमेंट होगा वो जॉयफुल होगा, टीचिंग का पर्पस हमें समझ आ जाएगा, हम बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं, आसानी से हम चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स होंगे। नाउ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कौन कौन से हैं, टीचिंग्स के जो मैक्सिम्स है काफ़ी हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि जो भी सब्जेक्ट मैटर हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, कोर्स ऑफ स्टडी है, उसके अंदर हम पहले आसान चीज़ें सिखाएंगे, सिंपल चीज़ें सिखाएंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे। इससे क्या होगा, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, सिंपल का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट मैटर के अंदर अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ तो उसे सिंपल तरीके से पढ़ाऊँ। अब ये तो नहीं है कि कोई टॉपिक मुझे सिंपल लगता है तो बच्चों को भी सिंपल लगेगा, नहीं, उसको पढ़ाने का जो मेथड होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, बच्चे को समझ आ जाए। देन फिर हम आते हैं नोन टू अननोन। जी, नोन टू अननोन क्या है कि जो द पर्पस ऑफ दिस मैक्सिम इज़ टू इम्पार्ट न्यू नॉलेज टू स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज। जो नॉलेज बच्चे के पास पहले से है, जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस नॉलेज, उसके बेसिस पर उसको लिंक करके हम बच्चे को न्यू नॉलेज इम्पार्ट करें। ये नहीं है सीधा जाते ही हम लोग बच्चे को टेबल्स आती नहीं है, बच्चे को काउंटिंग आती नहीं है, हम उनको एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिखा रहे हैं, नहीं, ये नहीं करना है। हमें पता करना है पहले बच्चे को आता क्या है, उसके बाद फिर हमें आगे उसको न्यू नॉलेज इम्पार्ट करनी है। एज अ टीचर क्या होना चाहिए कि एज अ टीचर किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले मस्ट नो इज हाउ मच द स्टूडेंट्स आर नोन टू द सब्जेक्ट व्हाट ही और शी इज गोइंग टू टीच। ओके, एंड देन सीन टू अनसीन पे हम आते हैं। सीन टू अनसीन क्या होगा, सीन टू अनसीन का मतलब है कि जो चीज़ बच्चे के जो बच्चे ने पहले चीज़ देखी हुई है और जिसको बच्चा आसानी से देख सके, तो वो सीन टू अनसीन होना चाहिए। जैसे हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं कोई सब्जेक्ट है, नेचुरल सब्जेक्ट है, तो पहले जैसे हम बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, ट्री, प्लांट, स्काई, मून, रिवर एट्सेट्रा, ये चीज़ें क्या हैं, सीन है, बच्चा उनको देख पा रहा है, तो इससे लेकर हम देन अनसीन तक जाएं। देन इज पर्टिकुलर टू जर्नल। पर्टिकुलर टू जर्नल का क्या मतलब है, मीन्स कि बच्चे को पहले हमने, ये नहीं है कि सीधा ही हम बच्चे को कॉन्क्लूजन पे ले जाए, नहीं, हम बच्चे को पहले उनका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल देंगे, और वो एग्जाम्पल देने के बाद हम बच्चे को खुद बोलेंगे सोचने के लिए कि उसे उससे क्या कॉन्क्लूजन वो निकाल सकता है। बच्चों की नॉलेज मतलब उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना है हमें यहाँ पे। हम सीधा जर्नल लॉ पे नहीं चले जाएंगे कि हम उसे कोई जर्नल रूल नहीं सिखा देंगे पहले, ठीक है, पहले उसकी मेंटल पावर्स को डेवलप करने के लिए हम उससे कुछ एक्टिविटी कराएंगे, कुछ एग्जांपल्स देंगे, कुछ स्पेसिफिक थिंग्स बताएंगे, देन हम उसके जनरल रूल पर आएंगे। जैसे कि अगर मुझे बच्चों को वर्ड ऑर्डर सिखाना है किसी भी टेंस का, तो मैं सीधा पहले उनको रूल नहीं बता दूंगी, मैं एग्जाम्पल के थ्रू, टेंसेस नहीं सिखा दूंगी, एग्जाम्पल के थ्रू पहले मैं उनका इंटरेस्ट क्रिएट करूंगी। ओके, तो हमें ये पर्टिकुलर टू जर्नल करना है। देन उसके बाद हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट आते हैं। तो कॉन्क्रीट का मतलब क्या है, कॉन्क्रीट थिंग्स विच आर विजिबल टू यू, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, जो कि आप नहीं देख सकते हैं, जो आपके आसपास नहीं है, जहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते हैं, यू कैन जस्ट इमेजिन दोज थिंग्स। तो यहाँ पे क्या है कि हमें कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना है, जो पहले चीज़ें उनके साथ विजिबल हैं उनको पढ़ाना है, देन उसके बाद हमें उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को डेवलप करना है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बच्चों को वॉल्केनो पढ़ाना है, वॉल्केनो पढ़ाना है, तो वॉल्केनो क्या है? मैं बच्चे को वहाँ जाके उसको दिखा तो नहीं सकती ना कि दिस इज़ हाउ इट, ये वॉल्केनो है, ये ऐसे फंक्शन करता है, नहीं। उसमें मैं क्या करूँगी, बच्चे को या तो मैं उसकी पिक्चर्स दिखा दूँगी, या कोई मेरे पास वीडियो फॉर्म में कोई चीज़ होगी मैं वो दिखा दूँगी। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, ये चीज़ें हैं जो हम उनको नहीं दिखा सकते ना, उनको वहाँ लेके जा सकते हैं। तो ये चीज़ें पहले कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हमें जाना है, देन वी विल कम ऑन होल टू पार्ट। होल टू पार्ट क्या होता है, कि होल टू पार्ट का मतलब ही है कि बच्चा जो है किसी भी चीज़ को एज अ होल, पूरी तरीके से एज अ होल फॉर्म में समझता है, देन उसको पार्ट में डिवाइड करना होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं बच्चे को प्लांट के बारे में बताना चाहती हूँ, मेरा टॉपिक प्लांट है, तो पहले जो बच्चा है चीज़ें पूरा प्लांट देखता है ना, उसके बाद ही तो उसके पार्ट, उसके पार्टों को सीखता है। ठीक है, फ्लावर कैसे है, उस पर फ्लावर है, उसकी जो भी चीज़ें उसमें हैं उसकी, उसको तभी तो सीखेगा वो कोई फ्लावर। तो ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है, होल टू पार्ट जाना है। एनालिसिस टू सिंथेसिस क्या है, होल टू पार्ट की तरह है ये, मतलब कि चीज़ों को सॉरी ये उसका उल्टा है, एनालिसिस टू सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब जब चीज़ों को एज हम होल देखते हैं, एनालिसिस को जब हम चीज़ों को पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। तो ये भी एक मैक्सिम है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इनडेफिनेट टू डेफिनेट, इनडेफिनेट टू डेफिनेट हमें जाना है। व्हाट इज़ इनडेफिनेट एंड टू डेफिनेट? इनडेफिनेट का मतलब है कि कई चीज़ें ऐसी नॉलेज होती हैं जिसके बारे में बच्चा इनडेफिनेट रहता है, उसके पास एक इनडेफिनेट नॉलेज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो रूल्स ऑफ ग्रामर हैं किसी भी लैंग्वेज के, लैंग्वेज के जो रूल्स ऑफ ग्रामर हैं उसकी उसको एक इनडेफिनेट नॉलेज होगी, मीन्स वो प्रॉपरली सिस्टमैटिकली उसके माइंड में वो सिस्टमैटिकली नहीं होंगे। तो उस जो इनडेफिनेट नॉलेज को है वो डेफिनेट बनाना है। तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेट से इनडेफिनेट से डेफिनेट नॉलेज बच्चे के अंदर फॉर्म करनी है। फॉर एग्जांपल, कई बार बच्चों के इनडेफिनेट का मतलब क्या है, इनडेफिनेट का मतलब है कि जो उनके थॉट्स हैं माइंड में वो क्लियर नहीं है, वो सिस्टमैटिक नहीं है। ठीक है, उन्हें उन्हें पता नहीं है कि चीज़ को हमें करना क्या है, मतलब उसको कैसे फॉर्म करना है, कैसे उसको क्लियरिटी ऑफ माइंड नहीं है। तो उस इनडेफिनेट थॉट को डेफिनेट करना है, उनके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करना है, क्लैरिफाई करना है, और एक डेफिनेट नॉलेज में उनको डेवलप करना है। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल जाना है, मीन्स की कॉग्निटिव लेवल को ध्यान में रखकर जो साइकोलॉजी है उनकी उसको समझ के देन उसको लॉजिकली डेवलप करना है। उनके नेचर को ध्यान में रखना है, उनके जो भी सेंसेस हैं उनको ट्रेन करना है, बहुत ज़रूरी है। अगर सेंसेस, क्योंकि बच्चा जो लर्न करता है थ्रू सेंसेस करता है, तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है और उनको इनकरेज करना है टू स्टडी। सो दीज आर द सम ऑफ द मैक्सिम्स जो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। थैंक यू।